फिर खान हम मो की खान ला मो अरे बहुत मुश्किल हो यार पकड़ा बहुत बार पकड़ भी रखे हमने और आज फिर से जा रहे हैं पकड़ने के लिए तो बस चार चार यही तौलिए का काम है इसी तौलिए में है जादू अगर मुंह न चटकाए ना गुब्बारा बस एक खासियत है कल से देने के लिए गए थे वो अभी आए नहीं है थोड़ा थोड़ी देर और उनका वेट किया जा रहा है पकड़ लिया इनको अंगोछे से पकड़ा जाएगा अंगोछा नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों मैं भी एकदम मस्त मैं पवन जोशी गंगुली हार दुगई आगर से तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी शाम के टाइम से कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ फेरीने के लिए आज मेरी वेशभूषा ऐसी ही रहेगी शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है एक आँख में ना यो जिबोड़े दबूण और मेरे साथ है अभी मयंक तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए और सबसे पहले आज मौसम की बात की जाए दोस्तों मौसम तो आज एकदम किलमिलाट मौसम है सुबह से कल रात 2 बजे से बारिश लगी थी और अभी तक पूरी लगातार बारिश लगी है तो सबसे पहले भी आपको मौसम के दर्शन कराते हैं तो दोस्तों आज का मौसम देख सकते हो आप एकदम मस्त मौसम है और चारों तरफ पहाड़ों में कोहरा लगा और हरियाली छाई है और क्या कहें फिर इतना ही बोलते हैं अभी मौसम के बारे में ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं हुआ नज़र लग जा रही है मौसम को तो अभी मयंक और मैं जाने लग गए हैं और बीनी को और हर्षु लोग भी आने वाले हैं पता नहीं किस टाइम पे आते हैं यार ये घूंघटा मेरा निकल जा रहा है बार बार तो शायद अब हर्षु लोग भी आ गए हैं पीछे नज़र आने लग गए हैं ये देख सकते हो आप हर्षु और शिवम भाई दोनों आ गए तो अरे नजर मत लगाओ ना ऐसे आप तो छोड़ ही नहीं रहे हो मेरी आँख को कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम तो आज मयंक से पूछेंगे मौसम के बारे में और हर्षु से भी पूछेंगे और शिवम से भी पूछेंगे आज के दिन भर अंदर बैठ के आपको कैसा लगा वो अभी हमारे साथ शिवम और हर्षु पहुंच गए हैं दोनों के दोनों शिवम के सर में तो घुंघरालू बाल हैं रंगत आएगा तो आज का क्या कहना है मौसम के बारे में तुम्हारा मौसम तो बड़ा ही जबरदस्त है क्यों शिवम आज कल रात से बहुत बारिश लग रही थी बहुत कहाँ खाली झिलमिल जैसी की जो रुकती नहीं है अच्छा झिलमिल कौन सी प्रकार की झिलमिल है वो जैसे टीवी में होती है झिलमिल जैसे चले जाते किड़मिलाट कौन है यार हाँ झिलमिल क्या हुआ झिलमिल तो बल्लभ करते हैं वो मालाएं करती हैं झिलमिल किड़मिलाट तो आज स्कूल के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहते हो क्या कल तक कुछ था और आज कुछ है आज स्कूल है तो बारिश आई है कल को रेड अलर्ट होगा तो धूप आएगी ये तो है ही ये तो जब हम भी स्कूल पढ़ते थे तब भी था और अभी भी चल रहा है ये आगे भी चलेगा वाह तो अभी कहाँ का विचार हो रहा है फिर अभी हम जाने जा रहे हैं मधुमक्खी पकड़ने शायद ना मधुमक्खी पकड़ने जा रहे हैं अच्छा अभी कोई फिक्स नहीं है मतलब जब कहीं दिख जाएंगे हमारे पास कुछ औजार भी नहीं है अभी दिख जाएंगे तभी मैं तौलिया लेके आया था मैं मजाक कर रहा था मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम है मजाक होते रहती है और मधुमक्खियाँ अगर मिल जाएंगी तो हमारे टी शर्ट उसमें भर के लाएंगे क्योंकि अंदर से एक बंडी हमारे पास है और घर में बक्से बना के आए हैं आज हम क्योंकि जंगल में बहुत सारी मधुमक्खियाँ मिलती है ना फिर खान हम मो की खान ला मो अरे बहुत मुश्किल हो यार पकड़ा चार चार बहुत बार पकड़ भी रखे हमने और आज फिर से जा रहे हैं पकड़ने के लिए तो बस चार चार यही तौलिए का काम है इसी तौलिए में है जादू अगर मुंह न चटकाए ना गुब्बारा बस एक खासियत है कल से फिर ब्लॉग बनाना बंद तभी 2-3 दिन का ठेका रख रखा है मैंने वीडियो का और खासियत यह है कुछ परछाई तो जो जिसको मधुमक्खी ने चटका दिया ना काट दिया उसको कभी बुखार नहीं आता है एक खासियत ये है क्यों अर्शु जिसको मधुमक्खी ने काटा उसके बाद उसको बुखार वगैरह नहीं आता है ना हाँ एक खासियत ये है पर तो दोस्तों अभी हमको मिल तो गए हैं पर एक चीज लाना भूल गए सब्बल
तो अब जहाँ पे है वहाँ पे लगे हैं पत्थर, मेन दिक्कत ये हो गई है। जैसे दीवार है ना उसके, ये दीवार है, इसके नीचे ये पत्थर निकालेंगे, नीचे साइड को गए, ये पत्थर निकालेंगे धीरे, और उसमें पकड़ना भी मुश्किल होता है क्योंकि कहीं उड़ गए, जैसे हम पत्थर निकालेंगे तो वो सीधे मुंह में आएंगे, तो बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। तब भी कोशिश करेंगे आज आपको दिखाने की। तो अभी मिलते हैं आपको, अब हर्षू और शिवम गए हैं अभी सब्बल लेने, और तब तक हम बैठते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हैं मधुमक्खी, ये देखो ये अंदर से आ रहे हैं धीरे धीरे करके, अब अंदर तो दिखा नहीं सकते हैं, आँखें चमक रही हैं देखो ये। तो अब सब्बल लेने के लिए हर्षू लोग गए हैं अभी घर में, यहाँ पे है तो अंदर प्लेन जगह पर पत्थर लगा है, थोड़ा निकालने में दिक्कत भी आएगी, तो अभी दिखाया जाएगा आपको पूरा यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो मधुमक्खी आपको दिखी गई होंगी, अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ तो फिर ज़्यादा हम निकाल के ही दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हो ये है, अब इसमें से मेन पहले हमको कि छठन वह रानिया राजा राजा, तो इसको सबसे पहले अभी हमने इसमें से राजा ढूंढना होगा, उसके बाद सब मधुमक्खियाँ खुद ही फिर पकड़ी जाती हैं। तो अभी मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में, आप लोगों ने देख ही लिया अभी। तो दोस्तों मैं मजाक कर रहा था कि हम मधुमक्खी निकालते हैं, मैं मजाक कर रहा था, और हमारे साथ हैं अभी केसरदा इटाना के ये ही मधुमक्खी निकालते हैं, और ये मधुमक्खी का पालन भी करते हैं, और मधुमक्खियाँ पाली हुई है इन्होंने, इनको सपोर्ट कीजिए ऐसे धीरे धीरे, और हम आपको इनका नंबर भी नीचे लिखा हुआ दे देंगे, अगर आपने भी मधुमक्खी पकड़नी है, अगर कहीं आपके नज़रों में है तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको एक चीज़ दिखाना भी चाहेंगे जो इन्होंने कुछ बना रखा है, तो अभी बड़वाजू दिखाएंगे वो आपको, क्या बोलते हैं बड़वाजू इसको, ये छत है, ये देख सकते हो आप, ये देखो इसके अंदर मोबी है, ये देखो गौर करके ये। तो फिलहाल इतने ही छत्ते निकले अभी, कम से नहीं। तो अभी मैं बड़बाजू से पूछ रहा हूँ इनको निकालने में कितनी मेहनत लगती है, फिर आपको केसरदा से भी मिलाया जाएगा। तो अभी केसरदा अपना काम कर रहे हैं, तो अभी बड़बाजू बता रहे हैं। तो बड़बाजू आपका क्या कहना है? इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये ज़मीन के अंदर हैं, और दीवार है, दीवार से भी अंदर, ज़मीन के ही अंदर हैं, तो बड़ी मशक्क़त हो रही है और निकालने में। और मैं लाया हूँ अपने साथ हमारे क्षेत्र के इटाना ग्राम सभा के हमारे जजमान हैं केसर सिंह जी, उनको लाया हूँ अपने साथ, वो कर रहे हैं अपनी कार्रवाई और निकाल रहे हैं बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मेहनत से, बहुत ही मेहनत कर पड़ रही है इनको निकालने में। ये जो हैं मधुमक्खी, हम हमारे गांव में या घरों में जो भी कहते हैं, ये लक्ष्मी का वास होता है, और खुश हो गया मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखे इनको, देखा तो बहुत ही खुश हुआ मैं उस समय, और मैंने अपने इन भाई से कहा कि किशरदा से मेरे साथ आओगे करके, आए और आके ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अब घर में ले जाएंगे और उसके बाद फिर अपने उसमें डालेंगे, इससे ले जाएंगे। ये जो ये पुरानी प्रथा है हमारी, ये डलिया, पहले इसमें आटा भी रखते थे हम, आटा पिसा हुआ आटा, हमारी माँ बहनें भाभी चाची काकी सब ताई जी लोग ये रात भर चक्की, घर की चक्की पीस के इनमें आटा रखते थे। तो अब पहले की जैसी प्रथा तो बड़वाजू रह नहीं गई है, तो अब ये चीज़ अब आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ ऐसी है, पुरानी रखी हैं तो अभी भी चालू हैं। हाँ। मैंने कहाँ देखा, मैंने पिथौरागढ़ में देखा था। हाँ। तो अब वहाँ कपड़े के बन गए ठीक। हाँ अभी ये चीज़ जो है, ये जो बांस कहते हैं, बांस का प्रयोग अब कम कर रहे हैं, और नई टेक्निकल चल गई है। हाँ। कपड़े का यूज होने लग गया होगा अब, पहले के जैसा आदमी भी नहीं रह गया। हाँ। वो आजकल डरता भी बहुत है, और जो पहले के आदमी वो देखो अभी भी इसमें निकाल रहे हैं, जो पहले के आदमी जो अब के आदमी है उनको इतनी डर है कि वो कपड़े में निकालते हैं, कपड़े में वो दोनों तरफ से पैक हो जाते हैं। मैंने अभी नहीं देखा वो कपड़े वाला, यही देख रखा है, और ये ला रखे हैं ये।
खड़े हैं दोनों, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे साथ आए हैं, मेरा ये साथ देने के लिए आ रखे हैं। अगर मधुमक्खी अगर निकालने के लिए अपना सेफ्टी की झाड़न ये भी सिर में अवश्य चाहिए, हाथों में दस्ताने मिलते हैं आजकल, वो दस्ताने हुए, और हर किसी आदमी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे किशरदा हैं, ये इनके पास बड़ा मधुमक्खी पालन का उद्योग है घर में, और इनसे संपर्क करना और ये पवन जोशी जी जो हैं इनके इस वीडियो मोबाइल से स्क्रीन से इनसे संपर्क करना। नीचे पे लिंक नंबर लिंक में दे देगा, स्क्रीन के नीचे नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आप डलिया का कमाल देखना, मधुमक्खी चिपक जाएंगी, और इसमें अभी लगा दिया है शहद लगा दिया है इसमें, आप तो आप डलिया रख दिया आपने, देखो कितनी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाया जाएगा, ये देखो यहाँ पे हैं, थोड़े इस साइड हैं थोड़े इस साइड हैं, और डलिया यहाँ पे लगा दी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी केसरदा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे राजा को पकड़ा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे राजा और रानी दोनों पकड़ने पड़ते हैं। यहाँ पे मेरे को तो खड़े होने में भी डर लग रही है, केसरदा तो आदत के हैं, पुआ 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 आवाज होने में हिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे अब डलिया में बैठने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डलिया में बैठ गए हैं, 5-6 रह गए हैं बाहर पे, जो अभी शहद लेने के लिए फूलों से शहद लेने के लिए गए थे वो अभी आए नहीं है, थोड़ी देर और उनका वेट किया जा रहा है, थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद जाया जाएगा, आधा घंटा करीब और बैठेंगे हम यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से बैठे, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो आप लोग देख सकते हो अभी मधुमक्खी हमने पकड़ लिया, अब इनको अंगोछे से पकड़ा जाएगा, अंगोछा लपेटा जाएगा इसमें, आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे अब अंगोछा लपेटा जाएगा इसमें, ये देख सकते हो धीरे धीरे अंगोछे में पैक होने लग गए, ये हुए बंद, ये देखो। तो आखिरकार केसरदा ने पकड़ ही दिए। तो दोस्तों देखिए फाइनली मिशन सक्सेसफुल होता हुआ और सब आ रहे हैं, और देखिए इतने लोग हैं, इतने लोगों ने सबने मिलके किया सहयोग किया, और फाइनली मधुमक्खियाँ आ चुकी हैं उसमें, किशरदा के हाथ में है। मैं अभी दौड़ के आया ना, तभी थकान लग रही है, तभी ऐसी आवाज़ आ रही है, सांस फूल गई। तो देख सकते हैं आप लोग ये तौलिये में बंद किए हुए हैं। टेम्पो हाय हाय, टेम्पो हाय हाय, टेम्पो हाय हाय। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर में, और अभी यहाँ पे लगाया जा रहा है मो, जिसको शहद बोलते हैं हिंदी में। तो अगर हम शहद लगाएंगे तो वो वहाँ पे बैठ जाएंगे सीधे, आप लोग देख सकते हो। तो आप खोला जाएगा यहाँ पे, ये देखो दोस्तों। तो अब धीरे धीरे इनको यहाँ पे बिठाया जाएगा खुद ही। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी डलिया अंदर रख दिया, अब धीरे धीरे डलिये से निकल के वो जो जौ है वहाँ पे बैठ जाएंगे, उसके बाद डलिया निकाल दी जाएगी और बोरी भी हटा दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे फिर पट्टा लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए घर में, और अगर आपको मधुमक्खी
देख के और पकड़ते हुए अच्छा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो।